इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम जो मैंने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, एक्सनोर और एक्सोर को। तो एक्सनोर और एक्सोर को हम रियलाइज करेंगे यूजिंग यूनिवर्सल गेट, सही है? तो नोर एंड नैंड गेट, उसी से रियलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल ले लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में दो वेरिएबल है हमारे पास, ए बी और 00 01 10 11। तो जो हमारा एक्सोर की जो ट्रुथ टेबल है, एक्सोर की ट्रुथ टेबल पर जाओगे तो वाई, सही है? तो जब ओड इनपुट है तो 1 रहता है, इवन इनपुट के लिए 0 रहता है। तो 0 1 1 0, ये ट्रुथ टेबल बनी। एक्स नोर का जस्ट अपोजिट है, ठीक है? तो वाई जो इसमें बनेगा वो बनेगा 1 0 0 और 1। ठीक, अब जब इसको रियलाइज करोगे एक्सोर के लिए फंक्शन के लिए, तो एक के मैप ले लेते हैं। चलो सिंपल सा एक के मैप ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक। ये आपका ए बार, ये आपका ए, ये बी बार और ये बी। तो ये 0 लाइन, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसको फिल मैप कर लेते हैं। तो एक्सोर के लिए बना रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, सही है? तो ट्रुथ टेबल फॉर एक्सोर गेट, ठीक है? तो एक्सोर गेट के लिए वाई जो आएगा बन के, तो इसको फिल कर लेते हैं। तो 0 1 और 1 0, यानी 0 1 2। तो 1 पे 1 है, 2 पे 1, ठीक है? तो पेयर तो बनेगा नहीं, तो पेयर नहीं बनेगा तो इसका आएगा यहाँ पर ए बी बार प्लस ए बार बी, यही आएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी बेसिकली सो फॉर्म है, ठीक है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, जो फंक्शन है हमारा सो फॉर्म में है, ठीक। अब इसको रियलाइज करना है, ठीक है? तो जो सो फॉर्म है वो डायरेक्टली आपकी कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली नैंड गेट में, ठीक। तो कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। देखो सिंपल सा है, पहले इसको आपको क्या करना है, ए बी बार प्लस ए बार बी इसको रियलाइज करना है। तो रियलाइज करने के लिए पहले क्या है, इसमें बीच में सब में डॉट है, तो पहले प्रोडक्ट टर्म बनाओगे। तो प्रोडक्ट टर्म में क्या लगेंगे, एंड गेट लगेंगे। तो ये एंड गेट हो गए दो, एक एंड गेट ये, एक एंड गेट ये। यहाँ पर लगाया ए और यहाँ पर है हमारा बी बार, ठीक है? तो बी बार को दोबारा उसको वही जो आपका नैंड गेट है यूजिंग, उसको नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट उससे कर लेंगे। और यहाँ पर है हमारा ए बार और इस पर है बी, ठीक है? फिर यहाँ पर हम लगाते हैं एक और गेट, बीच में ये प्लस वाली टर्म है तो और गेट से ही होगा। तो इसको जो रियलाइज़ करेंगे, नॉर्मली हम रियलाइज़ करते हैं इस तरह। तो यहाँ पर आ गया हमारा वाई, तो ये वाई आ गया। तो वाई इक्वल्स टू यहाँ पर बना ए बी बार प्लस ए बार बी। पर अभी इसमें देखो, इसमें अभी कोई भी नैंड गेट नहीं है, ठीक है? अब नैंड गेट नहीं है तो क्या करो, अब इसको आगे रियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने अगर बबल लगा दिया, बबल का मतलब है नॉट गेट, ठीक है? एक बबल यहाँ पर लगा दिया, तो ये तो बन गया नैंड गेट। इस बबल को कंपनसेट करने के लिए एक बबल यहां पर भी लगाया, और इस बबल को कंपनसेट करने के लिए इस पर भी लगाया। यानी अगर मैं दो नोट गेट लगा देता हूं, तो जो भी इनपुट दोगे आउटपुट वही आएगा। यहां पर एक्स था, यहां पर एक्स बार हुआ और यहां पर वापस एक्स हो गया, समझ रहे बात? तो ऐसे यहां पर है, तो कुछ सर्किट में तो कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, पर ये क्या बन गया, हमारा नैंड गेट बन गया। अब ये जो है ये क्या बना है, इसको डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अलग से समझा देता हूं। देखो अगर इस तरह का है, ठीक है? तो यहां पर सपोज करो एक्स है और यहां पर वाई है, ठीक है? तो ये क्या बना आउटपुट पे, तो यहां पर जब इसके जाएगा इनपुट पे तो एक्स बार हो जाएगा, ये वाई बार हो जाएगा। तो ये बना एक्स बार प्लस वाई बार, आउटपुट पे ये आएगा। उसके बाद इसको और आगे बढ़ा दो, डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प लो, सही है? तो डी मॉर्गन थ्योरम का जो एक तरह से इन्वर्स है, इन्वर्स में क्या है, ज्वाइन द लाइन चेंज द साइन। तो लाइन को ज्वाइन कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, ये मैंने कैपिटल ले लिए हैं, तो एक्स डॉट वाई बना। तो अब ये किसका बन गया, एक्स डॉट वाई, नैंड गेट का ही है, ठीक है? तो अब ये नैंड गेट का है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नॉट गेट नॉट से प्लस और गेट है तो ये इक्वल होगा नैंड गेट के। ये बन गया नॉट गेट है, इधर नॉट गेट है, फिर उसके बाद और गेट लगाया, और जब ये दोनों आपके जो सिग्नल फ्लो करेगा तो वो हमारा जो आउटपुट आएगा वो नैंड गेट की तरह वर्क करेगा। तो अब मैं क्या करूँ, इसको सीधा सीधा इसको हटा के इसकी जगह क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं लगा दूंगा
नैंड गेट हो गया रियलाइज नैंड गेट से। अब बी बार और ए बार चाहिए, तो बी बार के लिए एक हमें यहाँ पर नैंड गेट को नोट गेट की तरह बनाना है, तो नैंड गेट को नोट की तरह बनाना है, तो ये बन गया ये इस तरह। तो यहाँ पर लगाया बी और यहाँ पर लगाया, ठीक है जी, और इन दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ पर लगाया, क्लियर है। तो ये पांच इसमें गेट लगेंगे, सही है, पांच हमारे नैंड गेट लगेंगे एक एक्सोर गेट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजी सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया रियलाइज हमारा नैंड गेट से। तो जो सीधा सीधा जो माइंड टर्म है, ये जो माइंड टर्म है वन वन वाली, सही है, तो हम उससे डिज़ाइन किया, तो हमारा सॉफ्ट फॉर्म में डायरेक्ट आया, और सॉफ्ट फॉर्म से हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया, तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार मुझे बताना है, चलो वो नेक्स्ट में बताऊंगा, अभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसको कन्वर्ट किया। तो पहले जो रियलाइजेशन था, पहले था उसको बोलते हैं, पहले जो हमने किया था, तो पहले किया था एंड और रियलाइजेशन। तो इस फंक्शन को एंड और से रियलाइज किया था, और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया नैंड नैंड रियलाइजेशन में। तो ये वाला जो पोर्शन है, इधर भी नैंड का है और इधर वाला भी नैंड का है, आउटपुट वाला, तो इनपुट वाला आउटपुट वाला, सही है। तो एंड वाला इनपुट वाला पोर्शन है और जो है आउटपुट वाला पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं एंड और रियलाइजेशन। तो सो फॉर्म डायरेक्टली एंड और में या डायरेक्टली नैंड गेट में रियलाइज हो जाती है, समझ रहे बात। अब नेक्स्ट है, ये तो एक्सोर के लिए ही है, अब तुम्हें एक्सोर से एक्सनोर बनाना है, तो एक आपको नोट गेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते ही हो, है ना, तो उसका जो फंक्शन बनेगा एक्सनोर वाले का, इधर से देखा जाए वन वन, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, वन वन हो गया। तो ये हो गया ए बार, इसको रफी कर दूँ, पर मैं थोड़ा सा एक तरह से इनको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, एफ मान लिया, ठीक है, यहाँ इसको एफ एफ ही कर देते हैं, चलो इसको एफ मान लिया, एफ इक्वल्स टू ये बना ए बार बी बार, ठीक है, प्लस ए डॉट बी, ये बना। अब इसको रियलाइज करोगे वो डायरेक्टली, वो भी रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, एक्स ऑन और वाला। तो यहाँ पर भी क्या करना है, ए बार बी बार लेके आओगे, वही पांच गेट, उसमें पांच गेट से ही काम हो जाएगा, ठीक है, करके देख लो, ठीक है ना। तो पांच गेट से काम हो जाएगा, अब यहाँ पर अलग अलग जा रहे थे उसमें जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक गेट और यहाँ पर वैसे ही लगा देता हूँ, तो इससे भी हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर बार लगाऊं, ठीक, या इसको और आगे इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, तो ये और इसका, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूँ तो ये ही बन जाएगा, अगर इसके ऊपर बार लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि माइंड टर्म, सही है, तो जो माइंड टर्म वाला है, जैसे कि समीशन वाला हमने उसमें देखा था, तो एम बार इक्वल्स टू एम होता है, तो एम आई ले लेता हूँ मैं, किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एम आई, ठीक। तो इसको भी डायरेक्ट रिलाइज कर सकते हो पांच से, सही, अगर लिखने के लिए आया कि मिनिमम नैंड गेट यूज़ करने हैं, तो इसको फिर इसकी हेल्प से, तो रिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू हमारा बना ए बार बी बार प्लस ए बी। तो सबसे पहले वही है, ये सो फॉर्म है, तो सो फॉर्म को रिलाइज कर सकते हैं, किसमें सीधा सीधा डायरेक्टली, सॉरी, एंड और रियलाइजेशन। तो एंड गेट लगाएंगे पहले, इनपुट के लिए एंड गेट लगाए, ठीक है, और आउटपुट के लिए एक और गेट लगाया, तो एक ही प्लस साइन है तो एक ही गेट लगेगा, दो प्रोडक्ट टर्म है तो दो एंड गेट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बार, यहाँ पर हमारा बी बार, यहाँ पर हमारा ए, यहाँ पर हमारा बी, दोनों कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आउटपुट है हमारा एफ इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी। अब इससे आगे बढ़ जाओ, तो जैसे मैंने उसमें किया था, तो इसमें यहाँ पर बबल लगाया, बबल का मतलब है नोट गेट, एक बबल यहाँ पर लगा दिया, ये कंपनसेट हो गया, कोई चेंज नहीं आया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। ऐसे ही फिर एक बबल इधर लगाया, ये नोट गेट एक यहाँ पर है इसके आउटपुट पे और एक जस्ट इसके इनपुट पे है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, एंड गेट में, सॉरी नैंड गेट में। और ए बार बी बार के लिए आप वही नोट गेट लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए
नोट गेट लगाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया इधर से, और एक इधर से ले लेते हैं, ये आ गया इधर से। तो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ए बार, ये बी बार, पांच इनपुट से काम चल गया, 2, 2, 4, 5, ठीक है। ठीक, तो इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर एक नोट गेट इसके आगे लगा दोगे इस आउटपुट पे, तो ये वापस क्या बन जाएगा, एक्सोर, सही है। तो ये तो है एक्स नोर का, ये एक्स नोर का फंक्शन बना, ठीक है, ये एक्स नोर हो गया, तो ये एक्स नोर का है सारा, ठीक है। एंड और रियलाइजेशन, तो फाइव नैंड गेट से इसको रियलाइज कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नोर गेट से रियलाइजेशन के लिए। तो नोर गेट से रियलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें चाहिए पोस्टफॉर्म, पोस्टफॉर्म से डायरेक्टली हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब एक्स नोर एक्स ओवर ही रहने देते हैं अभी, पहले एक्स ओवर, ठीक, इसको मैं अब सारे को रफ कर देता हूँ। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ टू वेरिएबल का है के मैप। तो एक्स ओवर को करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब पोस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो के मैप है, अब माइन टर्म से लेके नहीं बनाऊंगा मैं, सही, माइन टर्म से नहीं, यानी वन वन से नहीं, अब मैं जीरो जीरो से लेके बनाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मैं इसमें जीरो जीरो फिल करना है, तो जीरो वाला एक ग्रुप ये बना, और एक जीरो वाला ग्रुप हमारा थ्री पे बना, ठीक है। तो जो आउटपुट बन के आया, तो आउटपुट इसका जो इसका वाई है, वाई इक्वल्स टू बन के आया, ठीक है, अगर इसे लेके चल रहा हूँ, तो उस जो वाई मैंने जो एक्स और जो माइन टर्म को लेके किया था, ये उससे डिफर है, ये बार है, ये समझ लो, ठीक है। तो इसका नाम चलो कुछ और कर देते हैं, एफ कर देते हैं, फंक्शन कर देते हैं। तो एफ इक्वल्स टू बना ए बार प्लस बी बार, और इसके लिए बना ए प्लस बी, ये बना, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करोगे, तो ये बन जाएगा अपने आप ही वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि हमें इससे ही रियलाइज करना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फॉर्म। तो ये वाली जो है हमारी, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इससे डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नोर गेट से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, सम वाली जो टर्म है उनको रियलाइज करना है, और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट वाला कर देना है। तो जो सोफ वाला था, सोफ वाला था हमारा एंड और रियलाइजेशन, तो ये है हमारा और एंड रियलाइजेशन, और एंड रियलाइजेशन। तो बाद में प्रोडक्ट करेंगे सबका, और इनपुट एंड पे हम सबके सम टर्म बनाएंगे। तो बना लेते हैं, तो और गेट, ठीक है, और आउटपुट पे हमारा एक एंड गेट। और गेट पे हमारा ए बार, यहाँ पर हमारा बी बार, यहाँ पर हमारा ए, यहाँ पर हमारा बी, ठीक है, इसको इनपुट पे दे दो, और आउटपुट पे हमारा आ गया वाई, सॉरी एफ, ठीक है जी, ये आ गया। ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेना, मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है ना, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा पता नहीं लाइन ही सीधी नहीं खींचनी है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, अब इसको कन्वर्ट करना है नोर में। तो बबल बबल, यहाँ पर बबल, यहाँ पर बबल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, इसके पीछे बबल लगाने से क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो आउटपुट पे जो आएगा वो आएगा हमारा एक्स बार डॉट वाई बार, है ना। इसको डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई अ होल बार। तो ये किसका है, नोर का। तो इसको मैंने हटा के क्या कर दूं, मैं सीधा सीधा इसको नोर बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया नोर गेट से रियलाइजेशन। तो पांच नोर लगेंगे, तीन यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर, तो नोर गेट लगेंगे, पर वो बनेंगे सब नोर गेट से ही, तो रियलाइज हो जाएगा इसलिए। ऐसे ही एक्स नोर भी हो जाएगा, एक्स नोर के लिए भी बना लोगे फंक्शन, ठीक है। एक्स नोर के लिए यहाँ पर जीरो जीरो, यानी इधर इधर वाला आएगा, तो ये बनेगा ए बार बी और एक ए प्लस बी बार, ये बनेगा, ठीक है। तो इजी से बन जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका है डायरेक्टली करने का, ये तो मैंने के मैप की हेल्प से करा है। अगर एक्स नोर के लिए आ जाए इस तरह की, एक्स नोर का है और वो
सोप और पोस दोनों से करना है, तब क्या करोगे? तो आपको सोप और फोम, सोप और पोस दोबारा दोनों बनानी पड़ेंगी, है ना। उस केस में क्या करोगे, सपोज करो उसने कोई फंक्शन दिया है, एफ इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसको आपको पोस से भी रियलाइज करना है और सोप से भी, सही है, पोस एंड सोप दोनों से रियलाइज करना है। तो दोनों फॉर्म बनानी पड़ेंगे आपको, जो गिविन फॉर्म है वो है सोप फॉर्म। अब इसको पोस में कन्वर्ट करना है, सही है। तो पोस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, सही है, जो प्रॉपर्टी थी जैसे कि उन्होंने यूज़ किया था x प्लस अगर हमारा हो x बार y, तो उसको क्या करते हैं x प्लस x बार और ये हो जाएगा x प्लस y, ये बन जाता है x प्लस x बार और x प्लस y, ठीक है, ये बन जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है, ये डायरेक्ट पोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो ए बी बार को होल ले लो अभी, ठीक है, अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी बार प्लस ए बार और दूसरा बना ए बी बार प्लस बी, ठीक। अब इनको एक्सपेंड कर लो, तो ये बना ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या होता है वन, और दूसरा बना ए बार प्लस बी बार, ठीक है। इसका क्या बना ए प्लस बी और एक बना हमारा बी प्लस बी बार, ये टर्म आई। तो ये वन है, ये वन है, तो ये बचा हमारा ए बार प्लस बी बार और इधर बना हमारा a प्लस बी, जैसे मैंने उसे निकाला था। तो ऐसे डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सिंपल था, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको रियलाइज़ किया था वही, अब इसको यहाँ पर ही रोक देता हूँ। तो XOR XNOR दोनों को हमने रियलाइज़ कर लिया यूजिंग NAND एंड NOR गेट, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं।